नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विशेष भृगुवंशी, कैप्टन इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। आज 29 अगस्त खेल दिवस, जो हमारे देश के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और उनकी याद में ही आज के दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग खेलों से जुड़ें, और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेल दिवस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इनका क्या इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। खेलों के जरिए हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे परिवार के बाकी लोगों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही एक जरिया है, खेल ही एक जरिया है जिसके थ्रू हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, कई नए तरह के दोस्त मिलते हैं, कई नई तरह के, आप समझिए कि एक दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है, दोस्ती यारी, कई तरह के, मतलब खेलों के जरिए मित्रता, और ये हर तरह का नया नया एक रोमांच आप कह सकते हैं। खेलों में नए नए तरह के रोमांच होते हैं, कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो मेरा बस यही आपसे एक गुजारिश है और एक ये कहना है कि आप लोग खेलों से जुड़ें, ग्राउंड स्पोर्ट्स में आएँ, खेलें। आज के जनरेशन में हमारी जो जनता है वो मोबाइल और इनमें मोबाइल गेमिंग्स और लैपटॉप गेमिंग्स में बहुत जा रही है, और लोगों को अपनी फिटनेस और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रह गया है। तो मैं आप सभी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ग्राउंड स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन एक गेम जरूर खेलें और डेली 1 से 1.5 घंटा अपने खेल के ऊपर बिताएं, और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ जुड़ा हूँ और अपने जीवन और खेलों के महत्व के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप भारत सरकार के द्वारा जारी की गई मुहिम खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इन सभी के जरिए भी खेलों से जुड़ सकते हैं और खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।